ऑल्सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गॉड लाइक स्पोर्ट्स। कल का वीडियो मैंने तुम लोग को बताया कि भाई ये सब कुछ हाइप बना रहे वगैरह वगैरह बोल के, बट इस स्टोरी में और एक ट्विस्ट ऐड हुआ है। न्यू ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया सेइंग दिस। भाई ये देख के तो मेरे को लग रहा है कि ये मे बी शायद कुछ सीरियस है। फिंगर्स क्रॉस, आई होप इट्स नॉट, बट थोड़ा सीरियस लग रहा है। जो ये बोल रहा था, ये गुजरात टाइगर्स के बूट कैंप से बोल रहा था। ही वाज इज नॉट इवन इन गॉड लाइक बूट कैंप। तो हेलो एवरीवन, दिस इज स्पाइक। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आज हम देखने वाले हैं अपथ्रस्ट ईस्पोर्ट्स इंडिया राइजिंग वीक 2 फाइनल्स का डे 1। जो वीकली क्वालिफायर्स हुए, उस क्वालिफायर्स में जो बॉटम 8 टीम्स है वो एलिमिनेट हो गए एंड टॉप 16 टीम्स ये फाइनल्स के 2 दिन में कम्पीट करने वाले हैं। एंड उसके बाद वीक 1 फाइनल्स, वीक 2 फाइनल्स कंबाइन करके ओवरऑल पॉइंट्स में जो टॉप 16 पे होंगे वो खेलने वाले हैं ग्रैंड फाइनल्स। एंड जो क्वालिफाइड टीम्स है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देखते हैं इस वीकली फाइनल्स में कौन मचाएगा एंड कौन नहीं। ऑल्सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गॉड लाइक स्पोर्ट्स। कल का वीडियो पे मैंने तुम लोग को बताया कि भाई ये सब कुछ हाइप बना रहे वगैरह वगैरह बोल के, बट इस स्टोरी में और एक ट्विस्ट ऐड हुआ है। न्यू ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया सेइंग दिस। मैं यहां पे और मैं कंटिन्यू करने वाला गाइस, और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। चीज़ें हैं बहुत सारी जो मतलब बहुत चीज़ें होती है भाई, कि अपना भी एक पर्सनल लाइफ रहता है, कि मेरे को भी घर वालों को हेल्प करना है बहुत सारी चीज़ें। भाई ये देख के तो मेरे को लग रहा है कि ये मे बी शायद कुछ सीरियस है। फिंगर्स क्रॉस, आई होप इट्स नॉट, बट मेरे को थोड़ा सीरियस लग रहा है। जो ये बोल रहा था, ये गुजरात टाइगर्स के बूट कैंप से बोल रहा था। ही इज नॉट इवन इन गॉड लाइक बूट कैंप, सो आई एम नॉट श्योर एक्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड इसने ये भी बताया कि भाई जोनाथन का कुछ नहीं पता मुझे, जोनाथन खुद ही आके तुम लोग को रिवील कर देगा वगैरह बोल के। जॉनी का सीन मैं कैसे बता सकता हूँ कि जॉनी का क्या सीन है। जॉनी एज ए इंडिविजुअल अलग पर्सन है, एज ए इंडिविजुअल उसका अलग थॉट प्रोसेस है। उसका मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो तो आई गेस वो जॉनी बता सकता है ना। और ये बहुत गलत होगा कि मैं किसी के बिहाफ पे स्टेटमेंट दे रहा हूँ आके, जबकि शायद से उसका कुछ और थिंकिंग होगा। By the way, 2 दिन में ना होली का टूर्नामेंट होने वाला है BGMI का ऑफिशियल का। उसमें जोनाथन की टीम से कौन कौन खेलने वाला है वो मुझे नहीं पता। उस दिन शायद थोड़ा सा हम सबको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। बाकी what do you guys think about the whole godlike situation? Is Jonathan really leaving? Is Neo really leaving? Why is godlike not responding to all of this? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलो अब वीकली फाइनल्स डे 1 एंजॉय करेंगे अपन। द मैचेस आर अबाउट टू बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन होगा, उसको फटाफट हिट कर देना ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए। एंड उसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी करो। वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गाइस, लेट्स मेक दैट हैपन गाइस। मजा आएगा 1 मिलियन पे। एंड विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फार्म की तरफ है लेकिन फार्म की तरफ हमें टीम, अरे यार ये समीर के ऊपर 3 टीम एक्सपायर के प्लेयर्स पुश कर रहे हैं। लोकेशन पे गए हैं लेकिन माफिया गाड़ी लेने गए और ये देखो एक नॉक कर दिया। दूसरा भी बहुत लो है, निकाला अपने लिए लेकिन अभी भी सामने की तरफ खिलाड़ी है। ओए भाई अच्छा 1v2 था, अच्छा 1v2 था। अगर समीर को बैकअप मिलता ना भाई टीम एक्सपार्क को, भाई दिक्कत होता। बट समीर का बाकी टीममेट्स तो काफी दूर है, अभी के लिए तो टीम गन भी नहीं है उनके पास। ओए 1 HP, व्हाट? उनको अंदाजा था नहीं आदित्य द्वारा। अब आदित्य थॉमसन कहां से मारा? लेकिन अभी बची 3 खिलाड़ी। चलिए अब गाड़ी को रोक देना चाहिए, रुकेंगे उतरेंगे। इंस्टेंट पेटी आदित्य का, साथ में नॉक एंकर भी करेंगे। भाई थॉमसन उधर से कैसे उतारा उसको? वाओ भाई जूसी की भी लग गई दो जूसी। और स्प्रे गॉड अपने लिए फायदा निकालेंगे लेकिन माइटी अभी भी है। I think RE भी join करेगा इस fight में। I think कहीं ना कहीं RE भी join करेगा ये fight। Down करती जा रही है और अभी पीछे से एक और team नजर आ रही है। भाई क्या? Madman! Wow! He had full HP. Just wow! HP पे थे आप और यहाँ पे Madman. Mighty is the last man standing for 8-bit. अकेले आखिरी खिलाड़ी। And वो barely survive कर रहा है। इसके पास ना हीलिंग है ना टीममेट्स है। पॉसिबल थी ये फाइट, मैं समझाऊंगा क्यों। ओए सोल भी आ गया, कनेक्शन पहले नॉक सोल भी आ गया। टीम एक्सपा के ऊपर 8 बिट पकड़े वो पूरी मानिया को कैनरी ने नॉक किया। आराम से डाउन कर सकते थे। शैडो तो भागो ई-स्पोर्ट कर रहा है। लुक एट द डेडिकेशन बेस। आईक्यू सोल का जोकर ने शैडो का पीछे कर दिया एंड उसने ट्रेस किया कि शैडो इधर रुका बोल के, बाकी टीममेट्स को बोल दिया, सारे 4 बंदे स्लैम दे दिए। दैट इज सो क्लेवर प्ले, सो क्लेवर प्ले। अब इसको पकड़ के पार मारेंगे, ट्रेड गेम खेलेंगे, एक दो बंदे नॉक भी हो गए तो ट्रेड लेके मार देंगे उसको। दैट इज सच ए क्लेवर प्ले गाइस। आए हाय जोकर, नाइस नेड एंड विद दैट
टीम एक्सपायर का एक ही बंदा बचा है, दैट इज प्रे गॉड, वो बहुत दूर है तो वो अभी के लिए सेफ है। एक नोट्स गाइस, अगर तुम बीजेएम, अगर बीजेएस की प्रैक्टिस कर रहे हो अंडरडॉग्स, टेक नोट्स। अगर कोई टीम का सोलो बंदा है कहीं भाग रहा है, पीछे करो और पकड़ो बस। दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। WSB ज़ेरफ एंड अरमान, ये दो इधर होल्ड कर रहे हैं। आ गया उसका बाकी टीममेट भी आ गया। अरमान नॉक जोकर के नेट से, ओए पावर भी नॉक ऊपर से रेडन ने मारा। रेडन की पोजीशन का अंदाजा इस पावर को नहीं था। इस पावर के स्टिक डाउन राइट में शटडाउन भी किया जाएगा जोकर। भाई रेडन इसको भी मार सकता है, पर क्या जोकर को भी रेडन की पोजीशन का अंदाजा नहीं है। दिस इज नॉट द राइट स्पॉट इवन दो देयर वाज स्मोक, और स्मोक की वजह से अभी अरमान को फिनिश डाल सकता है ना, नहीं क्यों डाला, क्यों नहीं डाला उसको फिनिश। जोकर के ऊपर कुछ और शॉट्स आ सकते हैं, इसलिए डालना था क्योंकि इन्फो देगा वो। लड़ते हुए झगड़ते हुए और बाकी प्लेयर्स के सपोर्ट का इंतजार। ओ वो बेट था क्या, प्लेयर को डायरेक्ट फिनिश कर दिया जा सकता है। ओए 1 एचपी ग्रेनेड के साथ जाओ पहले चेक आउट जंग प्लेयर कहां बैठा है। ओहो नाइस वन जोकर, नाइस वन इंस्टेंट पेटी, सेक्सी है रवे जोकर। प्रॉमिसिंग प्लेयर्स होते हैं जब भी आप किसी फाइट में बातचीत करें। स्टडी कर, अब टू मैन हो गया WSB, आई थिंक अग्रेस करेगा। रोनी ने तो गॉड्स को भी नॉक कर दिया, डाउन किया जाएगा। अब इट्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ओए माने को उतार दिया, उनको भी उस व्हीकल से गिराया जाएगा। रेडन रोनी के कंधों पे भार, लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर WSB। यहां पर एक और बेहतरीन वैल्यू आते देखिए, यहां पर जोकर जो पीछे बैठे वो आएंगे और जोकर की एंट्री हो चुकी है, आगमन हो चुका है। ग्रेनेड्स का प्रहार बार-बार लगातार, एक 1v2 की सिचुएशन है टीम आई को सोलो टीम WSB के बीच। अरे भाई बहुत लो है, बहुत लो है, उसके मार देंगे, उसके मार देंगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। वो आई को सोल बहुत बढ़िया खेला, बट उनका नुकसान हुआ इधर इस फाइट में, दो कैजुअलिटीज IGL एंड एसपावर। देखते आगे कैसे बढ़ेंगे ये, बट वेरी इंटरेस्टिंग फाइट यार, वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। सोल जोकर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर आईकू सोल, एंड उसका देखो भाई, उसका सेटअप देखो इधर, गैस में जहरीली सांप। ये जहरीली सांप कब तक बच सकता है, किसी को काट तो नहीं देगी। The timing is so right, striker भाई। स्ट्राइकर भाई साइड सीइंग कर रहे थे, सांप दिख गया, कुचल दिया उसपे। GDR वर्सेस मेडल ईस्पोर्ट्स, GDR का दो बंदे नॉक पड़े हैं, शोगन एंड डेस्ट्रो हो जाएंगे दोनों रेफ। आई वांट टू सी सम धमाकेदार परफॉर्मेंस फ्रॉम गॉड स्ट्रेन राइट। काफी दिन हो गया, ऑफिशियल टूर्नामेंट भी आ रहा है, एंड ऑल्सो एक इनसाइड न्यूज सुनने को मिल रहा है कि वेल्स जो कोचिंग कर रहा है गॉड्स रेन, वो दोबारा OG में जा रहा है। अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो सुनने को नहीं मिला, बट ऐसा कुछ होने वाला है कितने। आई वंडर इफ इट इज ट्रू। टीम तमिलास का चिकन होने वाला है इस मैच, टीम तमिलास। बट सर्कल के बाहर विक्स की आपको यहां पर फिसलते देखे और उनका समापन हो गया। अब एक आखिरी आप लोगों के पास MK14, ओए मुझे लगा MK14 से दे देगा, बट नहीं, गुजरात टाइगर्स इज आउट। समापन आपको उनका भी दिखेगा जरूर से। और OG का AKOP इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। कैमरामैन प्लीज एक बार टीम तमिलास को दिखाया जाए क्या कर रहे हैं अपने लोंडे। यहां पर ऐसे सिचुएशन दे आर रेडी, बहुत स्ट्रांग, दे आर रेडी। ओए ओए नाइस नॉक, नाइस नॉक आईजीएल, बढ़िया स्प्रे आईजीएल साहब की। एक और कनेक्शन आया, उस आखिरी खिलाड़ी को ढूंढेंगे। गॉड्स रेन बाहर, टीम तमिलास चार फिनिशर्स, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बॉय, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स गो, मार्कोस गेमिंग के साथ फाइट होने वाला है, ऊपर से RE स्पोर्ट्स देख रहा है इधर क्या चल रहा है क्या नहीं। ओए नाइस नॉक, फिलहाल के लिए मार्कोस गेमिंग को टारगेट करेंगे, साई को डाउन कर दिया है। ब्यूटीफुल नेड्स में, सिर्फ नेड्स के साथ मार्कोस गेमिंग को बाहर कर दिया। सॉरी सॉरी, ऊपर से जादू ने एक बंदा को मारा ना। 6 फिनिशर्स पर टीम तमिलास, एंड उनके पास जोन भी है, बाकी दो टीम जोन के बाहर है, विंड गॉड एंड RE। आई थिंक निकाल देगा ब्रो, अब तो कोई समझ रहे हो, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अनलेस कुछ मिस्टेक करेंगे तो। भाई कैनरी भाई को हल्के में मत लेना गाइस, ये नाचने के लिए कुछ भी करेगा। ही वांट्स टू डांस, ही ऑलवेज वांट्स टू डांस। अभी टॉप 3 में आ गया टीम, अगर चिकन निकाल दिए तो भाई बाय नहीं रुकेगा, भाई सिर्फ नाचेगा। पहले स्मोक पाथ बना रहे ताकि विदाउट दिक्कत पुश करे।
विन गॉड इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट. आप लोग पुश करो, हम थर्ड पार्टी के लिए. ओए सबसे पहले रेक्स नॉक आया एंड पुश कर दिया टीम तमिलास पे सीधा स्लैम. और पहला अच्छा कनेक्शन था जादू का बट ट्रेड. अरे भाई साहब खत्म खत्म. कैनरी नाचने नहीं वाला है आज तो. कैनरी नाच नहीं सकता अब तो. नचा दिए भाई टीम तमिलास, नचा दिए. 9 फिनिशेस पर टीम तमिलास. 1v4 सिचुएशन है विन गॉड मैक्स के लिए. आखिरी गाड़ी बचा है, कुछ ज्यादा खास कर पाएंगे नहीं. ज्यादा सर्कल को कवर इज दैट वुड एक्चुअली बी अ गुड वन. ओए भाई चलो ट्रेड ले लिया एंड दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम तमिलास. भाई कल का अपना लक आज भी चल रहा है. प्रिडिक्शन 500% चल रहा है अपना. कल का कमेंट सेक्शन में देखा काफी बंदे बोल रहे स्पाइक भाई तुम ऑलरेडी मैच देख के ये सब कर रहे. चुप भाई, ऑलरेडी देख के करूंगा तो मुझे मजा थोड़ी आएगा भाई. प्रिडिक्शन करके कर रहा हूं मैं प्रिडिक्शन. ठीक है चलो अब बढ़ते अपना मैच 2 की तरफ. अरे भाई बहुत मुश्किल है. शैडो इज इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन. शैडो का पेटी कंफर्म है गाइस, 100% है शैडो का पेटी. 100% है, मतलब मरने से पहले मौत दिख देते थे वो सिचुएशन है. भाई टू मैन बचे स्प्रे गॉड एंड सारंग. अब ये पुश कर रहे क्या? What? देखा तभी मैंने कहा था कि विंगो. अरे 1v4 लेने आ रहा है भाई. और दे भी दिया भाई. स्प्रे गॉड सैवेज है भाई. स्प्रे गॉड सैवेज है, मानो ना मानो. और दे भी दिए भाई, अपोलो दे दिया. शैडो रेव हो सकता है क्या? अरे फिनिश हो रहा है भाई. शैडो पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया शैडो को. अरे भाई दे दिया सारंग आके. भाई क्या चल रहा है, 16 वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो. ओए दे दिया क्लच गॉड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. 1v1 लाला चेल सारंग. ओए दे दिया लाला ने. क्या बात है ब्रो, क्या बात है. बट मानना पड़ेगा ब्रो, टीम एक्सपार का गट्स के लिए मानना पड़ेगा. उनका दो बंदे गड़े के बाद भी सारंग जो स्टाइल में आया ना, मां कसम. और नॉक भी दे दिया. उसके बाद सारंग आया दूसरी साइड से, वो भी दे दिया. उसके बाद 1v2 कर दिया. बट लास्ट में चौका कोई दिक्कत नहीं भाई. दिस इज ब्यूटिफुल टू वॉच, बस इतना बताऊंगा मैं. इट्स ब्यूटिफुल. सोल वर्सेस विंड गॉड हो रहा है एंड विंड गॉड को कैमरामैन दिखाने से पहले ही बाहर हो गए. वाह सोल का भी दो बंदे नॉक है. मैं विंड गॉड अभी खुद का नेट दे गया. विंड गॉड अभी खुद एस पावर भी नॉक. टीम तमिलास मान्या का किल चोरी किया. टीम तमिलास जोकर एस पावर को फिनिश किया. भाई चल क्या रहा है भाई, अभी खुद के ऊपर नेड, जोकर टीममेट को फिनिश. अलग चल रहा है मैच, अलग चल रहा है. ओके इट्स प्रेडिक्शन टाइम. आई थिंक आई विल गो विथ टीम तमिलास अगेन. दे आर 3 मैन बट 10 फिनिशेस उनके पास. 10 उनके पास फ्लो है, मोमेंटम है, दिमाग है, मेरा आशीर्वाद है. और क्या चाहिए उनको बताओ, और क्या ही चाहिए उनको. मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है. इट इज गोइंग टू बी 3v 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 2v जो भी मजा आएगा. कोफे लेट सैम मार खा रहे. इतना फोकस किया कोफे लेट सैम की टीम के ऊपर, उसी टाइम पे टीम तमिलास का भी हो गया. मार्कोस गेमिंग ने टोचन दे दिया भाई. अरे भाई माफ कर दो भाई. मेरा टीम तो गया. अब मुझे क्या फर्क पड़ेगा कौन चिकन निकालेगा. बस निकालो भाई, जोकर निकालेगा तो सबसे खुश हो जाऊंगा मैं. जोकर सोलो चिकन कम से कम कंटेंट तो मिलेगा. मैं गिरा होया बंदा जमा नहीं. एनकोर नॉक. आई थिंक डब्ल्यू से पुश करेगा. नो दे आर नॉट पुशिंग.
I think समझ में आया, I think समझ में आया क्यों पुश नहीं किया, क्यों पता? If they push, there is a chance they could lose the fight. अभी जो एडवांटेज इनके पास है जोन का, भाई एक्सप्लेन क्यों करो, वो पुश कर रहे, छोड़ दे पुश ही कर रहे हो, देखो फालतू में लग गए ना अरमान, फालतू में लग गए ना, पहले दिमाग से खेल रहे थे, इमोशंस आ गया बीच में, आई नॉक हो गया, चल 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 चल, ऐसा कोई कॉल दिया होगा, नाइस वन रे रेडर, ब्यूटीफुल, चलो चलो चलो, अभी ये टू मैन है, जोकर आके 1v2 कर सकता है बोल के बोलने से पहले ही पेल दिया उसको, विद दैट इट्स अ विनर चिकन डिनर फॉर WSB गेमिंग, काफी टाइम के बाद फाइनल्स में उनका एक्चुअल रन दिखा रहे, मजा आ रहा है देख के, मजा आ रहा है, अगर तुम्हें भी मजा आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना गाइस, चलो फाइनली मेरा प्रेडिक्शन का स्ट्रीक ब्रेक हुआ, इट्स फाइन, अब बढ़ते अपना मैच 3 की तरफ, अरे मैच शुरू होते ही टीम फॉरएवर वर्सेस 8-bit गन फाइट, मैड में नॉक फिनिश हो गया, ओए नॉक हो सकता है, आदित्य नॉक हुआ भाई, कभी कभी शॉटगन से ना भाई बचना, एक तरीके से लकी बोलूंगा, 1 HP जो बचते हैं ना भाई, देखो ये भी 1 HP बचा क्या चल रहा है, माइटी इज द लास्ट मैच, ओ नाइस नॉक माइटी, नाइस वन अगेन भाई, माइटी दे दिया 1v2 विद ईज, 1v2 दे दिया विद ईज, नाउ इट्स अ 1v1 सिचुएशन against OAS and Mighty, who will come on top, dekhna padega, Mighty is pushing, pure lane push kar raha hai, push kar raha hai, bahut low, ab to gaya re, bahut mushkil, OAS kya dimag lagayega, Molly, does he have a Molly, अरे भाई माइटी भाई टाइम दे दिया आपने, हील करने टाइम दे दिया, मेड किट लगा रहा है वो, अरे कैंसिल कर दिया मेड किट यार, क्यों कैंसिल कर दिया ओवेस भाई, क्यों शक के अंदर जाने वाला है, हील कर ले ओवेस, इतना टाइम दे रहा है, हील कर लो, I'm not even sure why Mighty gave this much time. इससे अच्छा जाके रवि कर सकता है टीममेट को. Mighty भी like मैं आज तो करके ही जाऊंगा क्लच 1v3. ओए कर भी दिया भाई 1v3 नहीं 1v4 क्या? That was a 1v4. Mighty भाई थोड़ा सा दगदग हो रहा था मेरे को तो जो कर देगा बोल के but नहीं ब्यूटीफुल अभी तक वीडियो देख रहा तो भाई कमेंट करना माइटी ओपी एक नंबर मारा भाई किलफीड देख के 8-bit को मारने हाइड्रा आ गया माइटी छुप के बैठा है शैक के अंदर देख लिया भाई माइटी इज लाइक भाई मुझे छोड़ दो भाई मुझे छोड़ दो चार बंदे मिलके मारे थे गुजरात टाइगर्स कल का फायर आज क्यों नहीं दिख रहा है और ये भाई साहब क्लच गॉड नॉक ओजी के विज गॉड की तरफ से शैडो भाई तुम्हारा टीममेट नॉक फिनिश हो रहा है कहां देख रहे हो आप ओए कहां घुस गया ये भाई ये क्या ग्लिच है अपोलो भी नॉक फिनिश भी हो गया शैडो सरप्राइज देना चाहता है बट मेडल इज नॉट इंटरेस्टेड किल निकल गए वो भाई शैडो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग बट शैडो तो भाई गाड़ी से नहीं निकल रहा है गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा है गेट इन गेम इज स्ट्रॉन्ग माय फ्रेंड शैडो का एक बंदा ना लूटने आ जाए अपोलो को अरे दे दिया मिशन अकॉम्प्लिश्ड
और अगर यही सबमिशन करा रहा है कि ज्यादा बड़ा है तो आई थिंक स्मोक करके राइट से जाकर फिनिश करेगा उसको। अगर लेट कर दिया तो सामने से आ जाएंगे, आ गया आ गया आ गया, लेट हो गया हो गया हो गया। ओए 1 एचपी आ गया, बाकी लोग भी आ गए। अरे कुचल दिया बे, कुचल दिया। बट यार एंटी भी शैडो, अगर वो एनकोर भी नॉक होता, हुआ ना जोन से नॉक हुआ तो कुछ हो सकता था, बट नहीं। टीम एक्सपार्क वर्सेस मार्कोस गेमिंग। ओए डेमिगॉड नॉक, निंजा भी नॉक, हंटर भी नॉक, निंजा नॉक नहीं फिनिश हुआ था। 2v3 सिचुएशन है मार्कोस गेमिंग के लिए। साई एंड जेन और भाई साहब ये कहां से डेल्टा पीजी ने दिया दूर से। वाओ विद दैट मार्कोस गेमिंग इज आउट। टीम एक्सपार्क 3-man strong। देखो आइकू सोल तो सिर्फ इनफो ले रहा है कौन सा टीम कहां है, क्या फाइट्स ले रहे हैं क्या नहीं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, फायदा उठाने के लिए। टीम तमिलास वर्सेस गॉड्स रेन। टीम तमिलास का एक बंदा नॉक पड़ा है, गॉड्स रेन का दो बंदे नॉक पड़े। देखो मैंने बोला ना, सोल वॉज जस्ट वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड दे दिया वो अपॉर्चुनिटी टीम तमिलास ने। अभी आ गया टीम तमिलास। ओए इस पावर नॉक रोनी का नेट से भाई। टीम तमिलास अगर किल फीड रीड किया तो भाई दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। देखो फ्री का मिल गया सोल को जगह खेलने के लिए। मिस्टेक लाइक दैट यूजुअली कॉस्ट हेवी फॉर द टीम, बट यार आइकू सोल के लिए ना 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 ना। आई एम रियली क्यूरियस अबाउट दिस फाइट टीम तमिलास वर्सेस आइकू सोल। अरे भाई साहब घंटा क्यूरियस, अब तो खत्म। एक मिनट से दो बंदे नॉक। ओए मान्या भी नॉक, रीपर कहां घुस गया? चिल क्या रहा है, चिल क्या रहा है? आइकू सोल मेड इट लुक सो इजी। टीम तमिलास को मारना, दे मेड इट लुक इजी गाइस, इतना इजी नहीं है। बहुत सही हो गया इट्स 2-man अगेन। रोनी नॉक कर दिया एक को, इंस्टेंट पेटी नहीं, ट्रेड भी ले लिया। एस पावर जोन से मारा, हीलिंग्स नहीं थे क्या एस पावर पे? थे चार फर्स्ट एड, हाइड्रा भी बाहर। द टॉप थ्री टीम्स आर टीम एक्सपार्क 3-man strong, आरई 3-man strong एंड अपराइजिंग राइवल्स 3-man strong। 3v3 फाइट है प्रॉपर। I'm going to go with Team Xpark this match. I have a good feeling about them. और ऊपर से इधर फाइट हो रहा है इन दोनों का, फायदा उठाएगा Team Xpark. और किसके पास पहले आएंगे? Canary देखो भाई, तुम दोनों जाके मरो, मैं तो भाई पेप्सी पीऊंगा, मैं तो पेप्सी पीऊंगा। छोड़ दिया Canary भी लाइक भाई, मैं अकेला ही नाचता हूँ, मैं अकेला ही सर्वाइव करूंगा। नाचना इज कॉन्स्टेंट। निकालेगा टीम एक्सपर्ट, निकालेगा एफर्टलेसली। हो गया भाई पेयो नॉक। कोफे इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कैनरी भाई भी नाचते नाचते जोन के बाहर मर गया और ये भी ग्रेनेड खा गया भाई। विद दैट द प्रेडिक्शन वाज राइट एंड इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम एक्सपर्ट। मजा आया। चलो टीम एक्सपर्ट भी टॉप 5 में आ गया, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। चलो हम बढ़ते अपना मैच 4 की तरफ। तो भाई जीटी क्यों नहीं खेल रही है? 15 टीम्स ही खेल रहे भाई, जीटी ज्वाइन भी नहीं किया लॉबी।
What the hell is going on? अरे भाई और GDR के ऊपर मार्कोस गेमिंग कूद गया, एक का पेटी डाल दिया। देखो भाई फाइट हो रहा है टीम फॉरएवर वर्सेस आरी और सोल दूर से देखा है क्या चल रहा है। तुम्हें लगता है कि सोल चुप बैठेगा? अगर तुम्हें लगता है तो भाई बिल्कुल गलत हो आप, बिल्कुल उंगली करेगा सोल, बिल्कुल। देखो देखो भाई ड्राइव बाय चल रहा है, कुचल दिया एक को। इस पावर समीर को नॉक फिनिश किया भाई, तीन किल मिल गया। आरी तो गया भाई, आरी तो बाहर हो गया, टीम फॉरएवर का दो बंदे बचे, उनको भी मारेंगे। ऐसे ड्यूएल, ऐसे ड्यूएल बोल रहा हूं। आई कुसोल भाई जो क्लेवर आउटप्लेइंग चलता है ना आइकुसोल का, दैट इज प्योर, दैट कम्स ओनली फ्रॉम प्योर एक्सपीरियंस। इतना गेम्स खेल चुके हैं ये लोग, इनको पता होता है, मसल मेमोरी है वो भाई। ये इधर ये हो रहा है, अपन ये कर सकते हैं, चलो करें। वो भाई वो सिर्फ एक्सपीरियंस और आईक्यू से ही बन सकता है। एस्पावर नॉक फिनिश हो गया फ्रॉम ओजी ड्रिगर। आइकुसोल थ्री मैन पुश कर रहा है टीम फॉरएवर पे। ओए वन एचपी हार दिया बे, रोनी तो गुस्से में लग रहा है मुझे, धड़ 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 धड़। देखो गाइस आइकुसोल का चिकन है मैच, रोक सको तो रोक लो, आइकुसोल का चिकन है मैच और टेबल टॉप करेंगे इस मैच के बाद। दैट्स माय प्रेडिक्शन। टीम तमिला से एक कंपटीशन, अरे बाय बाय बाय, कंपटीशन में एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। मान्या उसको फिनिश करेगा, पक्का फिनिश करेगा, कर दिया कर दिया, गुड जॉब मान्या। स्प्लिट देखो आई को, स्प्लिट देखो आई को सुल्का। मान्या उस लोकेशन से हटा ताकि ये मेडकिट लगा पाए, क्योंकि कोई ग्रेनेड आ गया तो स्प्लैश डैमेज से नॉक हो जाएगा बोल के। किल फीड देगा इसने, ये टीम तमिलास का पीछे ही पड़ेगा, ये जाएगा। वाइट से हो गया टीम तमिलास बाहर, इट्स अ 1v1v3 सिचुएशन है भाई, अब तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अंडेस डोरा और माइटी कुछ गलत लेवल पे मार दी तो, लुक एट द वे मान्या इज पुशिंग भाई। मान्या उस पोजीशन में आ गया ना, उसको तो पूरा आइडिया रहेगा इधर से कोई फायर कर रहा है बोल के। माइटी गया, अब तो भाई डोरा भाई आई वांट टू सी अ ब्यूटीफुल 1v3 फ्रॉम यू, कैन यू मेक इट हैपन डोरा, लेट्स गो। इसको मौका भी तो बनना चाहिए ऐसा, बट ये जोन के बाहर भाई, जोन से लड़ रहा है। देखो एग्जैक्टली पता मान्या को कहा है ये, अरे भाई साहब ही फिनिशेस इन स्टाइल FPP शॉटगन के साथ। विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर आइकुसोल। आई थिंक वो टेबल टॉपर्स हो गए होंगे इसके बाद तो। प्रेडिक्शन ओपी, इसके बाद स्ट्रीम रुक गया है, सिर्फ चार ही मैचेस हुआ आज के लिए, एंड ये चार मैचेस के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लाइक आई सेड आइकुसोल ऑन टॉप विद 49 पॉइंट्स एंड टीम तमिला सेकंड, एक्सपार्क थर्ड, WSB फोर्थ, अपराइजिंग राइवल्स फिफ्थ, हाइड्रा सिक्स्थ, बाकी ओवरऑल स्टैंडिंग्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस वीकली फाइनल्स का सिर्फ और एक दिन बचा है, उसके बाद वी विल हैव अवर ग्रैंड फाइनलिस्ट। क्या लगता है गाइस, कौन से टीम्स ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होगा एंड कौन नहीं, अपने अपने प्रेडिक्शन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। विद दैट बीइंग सेड मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, अंटिल देन पीस। अभी तक वीडियो देख रहा है तो एक ग्लास पानी पीना।